डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस दक्षा का वार्षिक समारोह सलोनी में मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर रहे। इस दौरान कोरोना महामारी के संकट में योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मीडिया कर्मियों सहित डॉक्टर्स व पंचायत स्तर पर बेहतर भूमिका निभाने वाले प्रतिनिधियों के कार्य की सराहना की गई। कार्यक्रम में आयुर्वेदा विभाग में डॉक्टर के पद पर सेवाएं देने वाले ऋतिक शर्मा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ऋतिक शर्मा 23 साल की उम्र में 37 बार रक्तदान कर रक्तवीर बन गए हैं। मुख्य अतिथि ने संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में संस्था को निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया। संस्था की अध्यक्ष सुनीता दरोच ने संस्था द्वारा किए जा रहे महिला उत्थान के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। संस्था के संयोजक अमरजीत सिंह ने कहा कि संस्था ने गांव स्तर पर भारतीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का जिम्मा उठा रखा है। एक साल में संस्था द्वारा किए गए कार्य स्मरणीय है। जो रखा वो यही रखा कि हमने ग्रामीण स्तर पर कहीं ना कहीं उन असहाय गरीब उन अपनी माताओं बहनों और बुजुर्गों की मदद करनी है और उनको निशुल्क उनके शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थता के प्रति जागरूक करना है। अभी क्योंकि आप सब जानते हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, लाइव हमारा सुन रहे हैं, मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब कोई संस्था कोई व्यक्ति अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टांगें पीछे पीछे खींचने वाले जो हैं वो दस हो जाते हैं। हमारी टांगें खींचने वाले बहुत आगे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, अपनी संस्था की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमें वो संत कबीर साहब का वो दोहा जो है वो आज भी याद है, हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी बनाए। तो मैं उन जो भी हमारी संस्था के ऊपर मुख्य रूप से जो थोड़ा बहुत उंगली उठाते हैं, मैं कहता हूँ उन भाइयों से वो बाजू उठाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई किसी से कोई छीना झपटी नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में हमारी संस्था ने जहां 7000 ग्रामीण स्तर पर 7000 महिलाओं को हमने भारतीय के रूप में वहां पे काम करने के लिए एक लक्ष्य रखा है, उनको नियुक्त करने का लक्ष्य रखा है, उनको समाज सेवा के उद्देश्य से अपनी संस्था के साथ जोड़ने का एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज हमारी संस्था ने मुझे आपको ये इस मंच से बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, 6 जिलों के 45 विकासखंडों में हमने 5370 भारतीय कार्यकर्ता बहनों को माँ सरस्वती के रूप में ग्रामीण स्तर पर उन गरीब और असहाय बहनों की माताओं बहनों की बुजुर्गों की सेवा में लगा दिया है। हमने उन भारतीय कार्यकर्ता बहनों को जहाँ उनके घर गांव में एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, वहीं उनको समाज सेवा का भी एक मौका दिया है उनके क्षेत्र में। और जो सबसे बड़ी बात है वो हमारी संस्था की जो प्रदेश की एक कमेटी है 13 लोगों की और अलग अलग जिलों के हमारे वो 13 लोग हैं, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी इस संस्था के माध्यम से उन भारतीय कार्यकर्ता बहनों को उनके घर गांव में उनके स्थानीय पंचायत में उनकी आर्थिकी को भी सुदृढ़ करने का एक निश्चय किया है, निर्णय लिया है। कार्यक्रम में विशेष अतिथियों के रूप में संस्था के अध्यक्ष सुनीता दरोच, उपाध्यक्ष आशा धीमान, संस्था संयोजक अमरजीत सिंह, जिला बिलासपुर के समन्वयक अजय शर्मा सहित पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष सलोनी राकेश शर्मा, व्यापार मंडल श्रेणी के उपाध्यक्ष अशोक सोनी, प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष बीना शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा राजकुमारी मौजूद रही। 37 बार रक्तदान कर चुके डॉक्टर ऋतिक शर्मा विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे।